करुणा कम 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 राखी कहाँ है राखी? विनय जी ये खुद अगर आना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वी कीप इट ओपन। नहीं इनको चॉइस देंगे तो वो नहीं आएंगे। अच्छा नहीं आएंगे ऐसे? अच्छा सब कंपलसरी। राखी है यहाँ पे और कौन है? आफरीन, श्रुति आइए आइए। चलिए पांच पांच हो गए, आ जाइए स्टेज पर आ जाइए। वेरी श्रुति, श्रुति का है। हाँ भेज दो आप इनको, भेज दो यहाँ पे। आइए आइए आइए। थ्री फोर और एक और एक। आप इतने ऐसे खामोश मत आइए, आपको कुछ सीरियस टास्क नहीं दिया जाएगा। वन टू थ्री फोर और एक चाहिए। कितनी सीरियस हो गई है? क्या इतने क्यों प्रेशर में हो? एक इनसे सवाल करना चाहूंगी अभी क्विकली। अपने अपने नाम बता दीजिए मुझे और एक एक किसी को आप बुलाएंगे प्लीज। हाँ ये आ गई ना, आ गई ना। अच्छा चलिए श्रुति आ गई। श्रुति जी आ रही है। ओके कम ऑन क्विकली टेल मी योर नेम। करुणा। करुणा। चेतना। चेतना। चेतना इतनी गंभीर क्यों हो? कोई टेंशन? चेतना कहाँ गायब हो गई है भाई? नहीं खाना वाना खाया नहीं है? खाया ना अच्छा से, स्वीट डिश भी खा लिया इसीलिए नींद तो नहीं आ रही है? नहीं ना। अच्छा आपका नाम बताइए। कविता। कविता। राखी। एंड श्रुति। श्रुति जी ओके थोड़ा सा आगे आ जाइए, सभी को सभी ने देखना चाहिए। अभी जैसे हर रियलिटी में रियलिटी शो में होता है ना, हम आपको एक चैलेंज देंगे ठीक है, 1 मिनट चैलेंज। तैयार है? तैयार है ना? ठीक है मैं फटाक से प्रॉप लेके आती हूँ। विनय जी एक मिनट वो आए तब तक कुछ टास्क दूं क्या? ओके देयर यू गो। अभी क्या बात है, टास्क सुनिए। ओके इसमें आपका ग्रेट डिटर्मिनेशन, टाइम जोन सब कुछ देखा जाएगा ठीक है। एक मिनट का वक्त दिया जाता है आपको। यहाँ पे दो एक्स्ट्रा कैरी बैग भी है, गंदा नहीं कीजिए वरना ऑडिटोरियम वाले हमें अगले साल नहीं देंगे ठीक है। ओके एक मिनट, यू हैव टू ईट नॉन स्टॉप बनानास, छिलके अपने पैरों तले ही रखना है, गिरना नहीं है फिसल के ठीक है। ऑडियंस आर यू रेडी? या कम ऑन 5 4 3 2 1। यार देखते कौन जीतता है अभी। झगड़ा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना। छिल थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दो। छिलका अपने पास रखना, गिनती के लिए हमें काम आएगा। ओके पंप इट अप। ये तो ग्रुप ईटिंग सेशन हो रहा है, क्या बात है। उधर देख के खा सकते हो, टेंशन नहीं है, सब घर परिवार वाले ही है। कितना प्यार है, अलग भी नहीं हो रहे, साथ में बैठ के खाना है, क्या मतलब इनसेपरेबल लग रहा है। या zoom in, let it all be visible on camera now। वाह वाह वाह। Real peace. Real peace, I tell you. कैसे घूर घूर के देख भी रही है एक दूसरे को। हाय हाय। Okay, now audience, let's do a countdown. 10. 5 4 3 2 1। क्या चेतना जी झूठ बोलती है यार, खाना खा के आई थी, मतलब कितना सफेद झूठ बोलते हैं इसको। विनय जी ये तो मेजवानी हो गई, मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा उनको टाइम दे देते सेटल होने के लिए है ना। श्रुति जी एक ही खाया है, वो तो लग ही रहा है यार बेचारी, ऐसे लगता है सोमालिया से आई है, कुछ खाती पीती है ही नहीं है। क्या बोलना, मतलब घर पे खाना नहीं मिलता? मिलता है, आप खाते नहीं हो, मतलब इधर आके डब्बे में डब्बा सबको दे देते हो? ऐसा कुछ नहीं है, खाती हूँ। अच्छा तो खाना जाता किधर है? अच्छा चलिए ये 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 सवाल इधर तक ही छोड़ेंगे, आगे जाएंगे तो सेंसर्ड हो जाएगा, फैमिली शो है। कितने खाए बेटा? एक ही खाया, मतलब ड्रेस संभालते संभालते एक ही खाया गया। चेतना जी वो तो पता चल ही गया। मतलब ऐसे लगता नहीं यार देख के आपको, बहुत मेंटेन किया आपने, क्या बात। मतलब लंच भी किया, स्वीट डिश भी खाया, अब तो डबल बोनांजा हो गया, मैं क्या बोलूं। मैडम
थ्री और फोर आई डोंट नो, मतलब खाने पे ध्यान ही नहीं हुआ, गिनती कुछ भी हो जाए मैं खाना, चलिए क्या बात है। और आप पहले सवाल तो एक मिनट, मतलब आप इधर देख के क्या खा रही थी, कैमरा इतना क्लोजली आप पे लगा था कि सब वॉमिटिंग, इधर नहीं करना, शो कंटिन्यू करना है। हाँ कितने खाए, दो ही खाए, अरे तो अनडाउटेडली हमारी विनर चेतना जी है, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अभी कैन सम वॉलंटियर जस्ट हेल्प अस क्लीन दिस, थैंक यू सो मच, कैन वी हैव समवन। अब इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा, इसे कहते हैं क्लीनिंग जॉब भी हमारी होती है। वेल मस्ती धमाल यहाँ पर खत्म नहीं होता है, हम ये मैं फ्री में कर रहा हूँ मैम। हाँ ये फ्री में, सर क्या करें, अभी परिवार का शो है तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है। कोई बात नहीं चलिए, ऑलराइट, मजा आया ना, नहीं तो यहाँ पे सोने की नौबत आ जाती थी। हाँ जी बिल्कुल। वेल एंटरटेनमेंट यहाँ पे खत्म नहीं होता है। कितने लोगों ने ये साल फिल्म फेयर देखा, कितने लोगों ने फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टार गोल्ड अवार्ड्स। हाँ चंदन जी आप टीवी देखते हो, काम कब करते हो भाई, इधर से किसी ने टीवी नहीं देखा, हमारे चंदन सर ने देखा है क्या, मतलब। तो जैसे अवार्ड सेरेमनी है विनय जी, हाँ वैसे जी। आज ग्रुप एक्सलेंस के लिए भी अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, बिल्कुल है ना, तो ये कैटेगरी में हमने आपको थोड़ा सा अलग कर दिया है। मुझे, हाँ जी, मैं बाहर जाऊँ? नहीं आप बाहर नहीं जाना, आप अगर उधर बैठ जाए तो बहुत अच्छा होगा, मतलब फर्स्ट रो पे माइक लेके जाऊँ? हाँ जी बिल्कुल, तो गप्पे शप्पे लड़ा सकते हैं ना। अरे बिल्कुल, वो एंकर्स की ट्यूनिंग होती है थोड़ी सी। ओके तो काफी सारे रियल अवार्ड्स हमने देख लिए हैं। ओके रियल अवार्ड्स यानी जैसे फिल्म फेयर, स्टारडम, स्टारडस्ट, स्टार गोल्ड, जो हम टेलीविजन पर देखते हैं। तो हमने सोचा कि ग्रुप एक्सेलेंस में हम पीछे नहीं हटेंगे, विनय जी क्या कहते हैं, ना? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो हमने डिसाइड किया कि वो रियल अवार्ड्स होते हैं और हम देंगे ना रियल अवार्ड्स। ओके सो नॉट रियल अवार्ड्स, तो इसमें किसी ने बुरा नहीं मानना है, ठीक है, ये दिस इज ऑल इन फन, मस्ती धमाका। Absolutely. और कैटेगरीज मेरे पास है, अगर विनय जी आप इसमें कुछ ऐड करें ना वैल्यू एडिशन, तो नहीं, बहुत नहीं, ही आपकी प्रतिभा बहुत ही उच्च दर्जे की है, तो आप पे पूरा विश्वास है। क्या बात है सर, हाँ कितना अच्छा हूँ, मैंने पहले आपको चेक दिया था अच्छी अच्छी बातें बोलने के लिए, इट वर्क्स, आई एम टेलिंग यू। सबके सामने नहीं बोला करते, अच्छा ऐसे नहीं बोला करते। ओके कम ऑन लेट्स गो टू द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ अवार्ड व्हिच इज शांति में क्रांति। तो शांति में क्रांति अवार्ड दिया जा रहा है किसको, कौन है ऐसा, एनी गेसेस? कोई नहीं, कितने डर रहे, शांति में क्रांति, मन के मन सबको पता है वो किसी और को देना चाहते हैं, लेकिन अवार्ड तो जाएगा उसी को जिसने हमने नॉमिनेट किया है ना। यस बिल्कुल, सो द अवार्ड गोज टू तुकाराम जी। हाय हाय, कुछ हो रहा हो, तुकाराम जी मेरे फेवरेट हो चुके हैं। कहाँ गए, आगे आगे, अरे गॉगल पहन लो, क्या बात है। ये हमारी एक बहुत ही हिडन जूरी थी सारे पैनल पे, और उन्होंने ये अवार्ड तुकाराम जी को देने का सोचा है, लेकिन ये शांति में क्रांति का करतो का है नक्की। हाँ गॉगल लाओ, गॉगल लाउन बोल, म्हणजे गॉगल लाउन शब्द मस्त बाहेर पडतात। अरे हाय हाय, सलमान खान है यार ये तो, आप लोगों का दबंग स्टार, मतलब शांति में क्रांति, विनय जी ये करता क्या है? अरे क्रांति है तो मनोज कुमार वाला बोलो ना, सलमान क्यों बोल रहे हो यार बेचारे, सलमान अलग है हमारी इधर। ऐसे मत करो यार, ये बहुत जरा आउटडेटेड है, ये तो यो है एकदम, ये तो ज्यादा करके पेंट्री में होते, तो वहाँ पे कौन सी क्रांति होती है मुझे मालूम नहीं। हाँ चलिए, ये अवार्ड आपके लिए, शांति में क्रांति जीता, और तुकाराम कसा वाटत है? बरं वाटत है, अरे काय डॉक्टर कडे आला की काय, कसं वाटतंय, बरं वाटतंय। वेल विनय जी आई थिंक हम रेशमा जी को स्टेज पर बुलाएंगे, रेशमा जी स्टेज पर आइए अवार्ड देने के लिए, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए, जोरदार तालियां बजाइए। सो इट विल मेक माय जॉब, आप उन्हीं के हाथ में दीजिए या नारियल अवार्ड। अगली जो कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है फेयर एंड हैंडसम। ओह वाओ, हाय हाय, अभी फेयर एंड हैंडसम के लिए चलिए रेशमा जी भी आ गई है, वेरी वेल वार्म वेलकम, आप बीच में चले जाइए, नारियल आप तक पहुंच जाएगा। हाँ ठीक है, ये इसका बंदोबस्त हम कर लेंगे, चलिए आप मैम के हाथ में दे दीजिए, ठीक है, तो ये अवार्ड सेरेमनी टाइप लगना भी चाहिए। फेयर एंड हैंडसम अवार्ड गोज टू अभिजीत गायकवाड़।
क्या बात है विनय जी, इनके बारे में कोई विशेष टिप्पणी करना चाहेंगे आप? विशेष टिप्पणी क्या करें, पहले देखें तो सही उनको कहाँ है, कहाँ है? नहीं आए। अच्छा, उनके उनके बिहाफ पर कोई अवार्ड ले ले, हाँ ओपन नॉमिनेशन कर लेते हैं। चलो कौन? किसको किसको? अच्छा फाइनल फाइनल कॉल लिया जाएगा रेशमा जी और मेरे डिस्कशन के बाद। ओके, तो नाम नाम आने दीजिए। यस चलिए गिरीश जी पहले, सेकंड, हाँ कौन? फेयर एंड हैंडसम अवार्ड देना है, ऐसे मत करो। गिरीश जी क्या बोलते हो? और कोई आ रहा है जहन में? विनय जी उसके लिए विशेष प्रतिभा की जरूरत है। अच्छा एक मिनट, नॉमिनीज को स्टेज पर भेज दो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, ऐसा अवार्ड सेरेमनी कभी नहीं हुआ। गिरीश जी और कौन सा नाम लिया इन्होंने? किशोर जी स्टेज पर आ जाओ, चलो फटाफट फटाफट। कौन? संजीव मिश्रा जी, चलिए चलिए फटाफट स्टेज पर आ जाइए। यार शर्माते है क्या? पुण्याची मंडळी नाजत नाही मला एवढंच माहिती आहे। हाय हाय क्या बात है, फेयर एंड हैंडसम मतलब व्हाइट सूट पहन के आ रहे, क्या बात है। और कोई आता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। No, I don't see anybody coming. अच्छा थोड़ा सा लाइट ऑडियंस में फोकस दे दो। हाँ क्या बात है, जरा नॉमिनेशन आने दो। और कोई है क्या जो टशन देना चाहेंगे हमारे नॉमिनी को? संजीव मिश्रा जी कहाँ है? वो भी नहीं है। मिश्रा जी मिष्ठान भंडार में। मिश्रा चलिए जोरदार तालियां, द सेवन हैंडसम अवार्ड। हाय हाय, नहीं नहीं आप रुकिए, आप हाँ आप ही को सारे दो और तीन अवार्ड देने इस कैटेगरी में। चलिए अगला जो अवार्ड है वो है शर्मीला अवार्ड। हाय हाय, जो हमारे पे तो बिल्कुल सूट नहीं करता। और अवार्ड दिया जा रहा है कविता सिंह जी को। हाय हाय, प्लीज अवार्ड ट्रॉफी लेके आ जाइए स्टेज पर। हाय द ब्लैक ब्यूटी। ये जाते जाते भी शर्माते जा रही है यहाँ से। हाँ शर्माते, अभी शर्मिला अवार्ड मिला ना तो एकदम ओरिजिनल अवार्ड है। एकदम एकदम आ गई। अच्छा एक मिनट, अवार्ड नहीं दे रहा, पहले जरा शर्मा के दिखाओ। हाय हाय क्या बात है, मतलब आप ऐसे पूछना तो गलत है पर आप सिंगल हो, है ना? आए हाय, मतलब कितनी डिप्लोमेटिक है, मतलब अभी तो मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकती ऐसे उन्होंने कहा। अच्छा बैक स्टेज में दे दोगे, चलो तो सेटिंग ना, जितने भी सिंगल मैन है बाद में मुझसे आके मिलना, फिर हम थोड़ा सा जुगाड़ कर सकते हैं। वेल द शर्मिला अवार्ड गोज टू कविता सिंह। अरे तालियां दोस्तों, कांग्रेचुलेशंस। अरे अगली कैटेगरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्या है भाई? यार जिसके लिए हम सब जिंदगी भर मरते हैं, है ना, इतना पैसा पैसा करते हैं, तो अपना सपना मनी मनी। ओह वाओ, हाय हाय क्या बात है। इस कैटेगरी का अवार्ड तो यार बहुत हम सभी को मिलना चाहिए। बट ऑन आवर ज्यूरी सिलेक्शन द अवार्ड गोज टू मिस्टर कुलदीप विश्ववाणी। डॉलर मास्टर, डॉलर किंग। क्या बात है, मतलब ये वॉलेट छोड़ के चले जाते हैं यार कुलदीप जी। अच्छा यो योर ओनली, ओके ही सिंग, मैं इधर ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा हूँ। क्या बात है, चलिए अभी अगला। अच्छा यो यो, अच्छा एक मिनट इधर आओ जरा। ये अपना सपना मनी मनी तुम्हें क्यों लगता है तुम्हें दिया गया? हाँ ही विल
इधर पैसे है नहीं, प्लॉट कहाँ से खरीदे सर? अच्छा बताइए, ये अवार्ड आपको सुशांत सर की कृपा है ये भी। ये एक मिनट, मतलब ये कितना सेट है क्या? मतलब बॉस है ये आपके, डायरेक्ट बॉस? अच्छा, ही इज योर बॉस? कितने प्यार से बोल रहे, ही इज माय बॉस। सुशांत सर, आपको देख के लगता तो नहीं बेचारे आप डांटते वाटते होंगे, है ना? एवी नाम डांटते हैं वो, यही डांटते उनको, इसीलिए अपना सपना, मतलब ये क्या है टारगेट में सबसे ज्यादा आपने, हाँ ये बार लग रहा है, तुम अगर कभी कंपनी छोड़ने का सोचो तो कॉन्टैक्ट है, फिर हम देखते क्या करना है। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। अगली जो हमारी कैटेगरी है, लास्ट अवार्ड है इस कैटेगरी में, जो है जो सुबह उठते हैं भगवान को याद करते हैं, दोपहर में खाना खाने से पहले भगवान को याद करते हैं, 4 बजे की चाय के पहले भगवान को याद करते हैं, बेचारे भगवान इनसे परेशान है लेकिन ये भगवान को कोई छोड़ते नहीं है। तो कैटेगरी है आस्था अवार्ड, और आस्था अवार्ड अनडाउटेडली दिया जा रहा है मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे मित्र और मेरे को होस्ट विनय सर देसाई जी को। इसीलिए सर मैंने आपको बोला था उधर जाके बैठ जाइए। अरे फॉलो करो यार, मुझे फॉलो करो। आपको भक्ति आचरण वाले 2 शब्द कहने हैं, है ना? फिर तो वो पूरा प्रवचन देने को तैयार हूं। नहीं नहीं सर, प्लीज माफ कर दीजिए सर, प्लीज। कोई प्रॉब्लम, हाँ, दो ही लाइन, दो ही शब्दों में। किसी के बिजनेस पे नहीं मारता मैं। नहीं ना, आप सेलिब्रिटी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए सर, 2 शब्द। सब मोह माया है। अच्छा, ये माया का मूर्तिमान प्रतीक है और ये आज मुझे मोक्ष देने जा रही है, वो भी एक माया की तरफ, वो महामाया है जिनके शब्द हम बिल्कुल भी कान से अलग नहीं कर सकते, जहन में जाने ही चाहिए, नहीं तो मोक्ष तय होता है वहीं के वहीं, सदगति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे इस अभूतपूर्व और अद्भुत सम्मान के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और मेरे आश्रम में हमेशा वैकेंसीज रहती हैं। अच्छा, किसी को मोक्ष का चाहत पैदा हो जाए तो बिना विलंब हमसे संपर्क करें। चलिए, बिल्कुल सेटिंग हो गया है, हो गया ना? और डॉक्टर साहब ने बहुत बड़े दिल से मुझे एक प्लॉट भी अलॉट कर दिया है आश्रम के लिए। क्या बात है, हाय हाय, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एंड द अवार्ड फॉर आस्था, कांग्रेचुलेशंस विनय जी। आखिर मेरी शांति क्रांति कर गई। थैंक यू सो मच रेशमा मैम फॉर डूइंग द ऑनर्स। थैंक यू, आपने हमें भी नहीं बख्शा। चलो ठीक है, इसे कहता ना, इसीलिए मैं कहा आज तो बहुत धमाके होने वाले हैं। वेल, हम हमारे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और एक सरप्राइज एलिमेंट है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन कपल्स कुछ डांस वांस करने वाले, ऐसी खबर आई है। अरे वाह, है ना? और हमारे जो 2 रॉकस्टार है, एक जिनसे लुंगी नहीं संभाली जा रही आज, और दूसरे जो आज ब्लू में एकदम चहक महक रहे हैं, क्या बात क्या है, कहने? नहीं बोल रहे सर, नहीं बोल रहे, ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। हाँ। एक स्पेशल आइटम होने वाला है, एक कपल डांस, ओके, जो आज तक आप लोग सभी ने नहीं देखा है। सो लेट्स कॉल आवर 2 स्टार्स, सुशांत सर एंड थॉमस सर, विद देयर बेटर और बेटर हाफ्स, वी विल आस्क देम लेटर, बट लेट्स हैव देम ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कम ऑन क्विकली। चलिए, एक ओके, अभी डिले के लिए खेद है, क्योंकि सर की लुंगी निकल आई है, तो जैसे मैंने कहा, अच्छा आ गए, क्या बात है। उधर से वो कह रहे मैम यू आर सो राइट अबाउट माय लुंगी, और लुंगी को संभालते, शुक्र है जीन्स का उपयोग उन्होंने किया था, वरना आज यस फैमिली शो में गड़बड़ हो जाती, जाना पड़ता। नहीं तो आश्रम जाना, एब्सोल्युटली, मुझे पता नहीं कहां जाना पड़ता सर, मोक्ष प्राप्ति, निर्वाण। चलिए, आ गए हमारे 2 कपल्स का एंट्री। अरे कहां से, सुशांत जी बोल रहे, काफी सारे कपल्स हैं और उनसे। अच्छा। भी ये
ओके सभी को बुला ले तो okay, आपकी इच्छा आप ही बता दीजिए। डॉक्टर साहब बैठे हैं, अच्छे लग रहे हैं और दिख भी रहे हैं पूरे ब्राइट, और मनीषा जी भी हैं आई एम श्योर। नहीं है सर, आपके बाजू में भी कपल हैं हमारे साथ, 3-2 महीने रहे थे साथ में, टोपी वाले रेशमा जी भी हैं, मिसिंग है रेशमा जी के बाजू में, पूरा लाइट है, देखिए दिख भी रहे हैं, चमक रहे हैं। आइए सुशांत जी, आइए आइए सुशांत जी, एक एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये सिर्फ कपल्स या टू बी कपल्स भी चलेंगे? टू बी भी चलेंगे ना, मतलब मौके पे चौका लगा सकते हैं। कुलदीप विश्वानी और बिपाशा भी आ जाएं। मैं तो बुला ही रहा हूँ, एंगेजमेंट हो गई, ऑफिशियल शादी यहीं करा दूंगा। हाँ हाँ, अच्छा रिसेंटली मैरिड रेशमा जी, तो आप अभी रिसेंटली हैं, आ जाइए रेशमा जी, आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, सोचिए मत। वेंगड़े वेंगड़े किधर हैं वेंगड़े भाऊ, चलो चलो उठो उठो, कोको कोको कोनिश्को राजेश काकड़े, चलो चलो। समाधान जी नहीं दिख रहे, आइए आइए आइए। सरफराज जी, शांति में क्रांति की तरफ पहुंचिए।